मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, अब की बार हमें सोच समझ के वोट करना है। आपने देखा है कि किस प्रकार से इस पूरे कोरोना काल में आपके साथ व्यवहार किया इस सरकार ने। आपने देखा है कि पिछले 4.5 सालों में 3-3 मुख्यमंत्री उस सरकार ने दिया जिसने आपका प्यार पाया, जिनको आपने प्रचंड बहुमत दिया, मगर आपने जिस चेहरे पर इन्हें वोट दिया वो चेहरा दिल्ली में बैठा है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। देश प्रगति रथ पर सवार था, परंतु इस प्रगति को रोकने वाले वो जुमलेबाज हैं। वे डरपोक हैं और कायर हैं, तभी तो जासूसी करवाते हैं पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। मगर हमारे यहाँ देखिए कि जो सरकार है, 3-3 मुख्यमंत्री उन्हें देने पड़ते हैं और एक भी काम नहीं करता है। मेरे 717 बहनें और भाई जो पूर्व कर्मी है 108 और खुशियों की सवारी के, मेरा दिल उनके लिए रोता है और मेरी बहनें और भाई इस बात को जानते हैं। मैं जानती हूं कि आप तकलीफ में आज भी हैं। मैं वादा करती हूं कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलता, मैं आपके लिए आवाज उठाती रहूंगी। जिस प्रकार से हमारे उपनल कर्मी कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आज भी इन्हें ये नहीं लगता आप भी आराम से अपने बच्चों के साथ रह सके। इन्हें फिक्र नहीं है आपकी और आप जानते हैं इस बात को। हमारी आंगनवाड़ी बहनें, आशा कार्यकर्ती, वे सब इनके विरोध में अपने स्वर बुलंद करती रही। किस प्रकार से अपनी लड़ाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और जीत हासिल करी। आपने देखा कि पर्यावरण के साथ इन्होंने क्या किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उत्तराखंड को गुजरात बनाने वाला एक व्यापारी दिल्ली में बैठा है। हम देवों की भूमि है, हम देवियों की भूमि है, और हमारी इस भूमि में 4 धाम के पंडा पुरोहितों के साथ क्या हुआ। 51 मंदिरों का अधिग्रहण, देवस्थानम बोर्ड बनाकर, और ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार भ्रमित करती रहेगी, मगर आप उस मछली की आंख की तरफ देखते रहिएगा। आप अर्जुन हैं और आपकी जीत तभी होगी जब आप आज से चुनावों तक इस बात का मन बना के रखेंगे कि आपको अगर वोट किसी को देना है तो केवल हाथ को, न जात पे न पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे।